जापान में वहां पर एक वायरस काफी तेजी से फैल रहा था, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट भी हो गए थे, तो हमने वहां पर सब बंदों को मारा, वायरस खत्म कर दिया ताकि वो आगे ना फैले। तो वो जो मिशन है एजेंट 47 ने कर दिया था। फिलहाल अभी एजेंट 47 है मराकेश में। अब जो लोग हिटमैन सीरीज के दीवाने हैं वो लोग पहचान गए होंगे मराकेश कौन सी जगह है। तो यहाँ पर आपको याद होगा काफी टाइम पहले हम यहाँ पर एक जो कि मिलिट्री का कर्नल था उसको मारने यहाँ पर आए थे और एक और बंदा था उसको ही मारा था। फिलहाल यहाँ पर ना अभी हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो गाइस आज हमें यहाँ पर दो लोग को एलिमिनेट करना है। पहला बंदा है कोंग टू क्वैंग जो कि एक चाइनीज बंदा है, इसके बारे में आपको भी डिटेल्स देता हूँ आगे चल के। और जो दूसरा अपना टारगेट है वो है मैथोई मैंडोला। अब यहाँ पर इन दोनों को एलिमिनेट किस लिए करना है वो बताता हूँ। जो पहला बंदा है चाइनीज, मतलब कि इसका नाम मैं क्वैंग बोलूंगा, वैसे काफी बड़ा नाम है। तो जो क्वैंग नाम का बंदा है ना, ये एक बहुत ही बड़ा बिल्डर है, मतलब कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसके पास अभी काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी आ रखा है। और यहाँ पर जो दूसरा बंदा है मैथोई मैंडोला, ये एक आर्किटेक्चर है जो कि बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं कि हाँ भाई बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर टू वाला टारगेट है ना अपना, ये एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ना, प्रोजेक्ट जो है लीक कर रहा है इस बंदे को, मिलियन डॉलर्स की डील हुई है इनकी, तो यार बहुत गलत चीज है, तो हमें इसे रोकना पड़ेगा। मतलब कि बिल्डिंग किसी और के लिए बननी थी लेकिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके वो सारे के सारे इसके आगे लीक कर रहा ताकि ये वो बिल्डिंग उससे पहले बना दे। तो यहाँ पर आज हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर अपने पास पता सबसे तगड़ा क्ल्यू है कि इनकी ना कोई पार्टी शार्टी है शायद से, तो यहाँ पर पार्टी हमें पहले ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर है और क्या क्या सीन है। अभी फिलहाल जगह आप देख पा रहे हो यहाँ पर ना काफी तगड़ी मार्केट लगी हुई है। लास्ट टाइम हम यहाँ पर ना दोपहर के टाइम पर आए थे, अभी लेकिन हम रात के टाइम पर आए हैं और यहाँ पर काफी सारी पब्लिक भी है। अच्छी बात यह है कि मेरे पास पिस्टल है सप्रेसर वाली, तो भाई मतलब वो पिस्टल हो तो भाई अपने पास सारी पावर आ सकती है। अब लेकिन जितने भी बंदे हैं ना मैं उन्हें मार नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ना काफी ज्यादा पब्लिक है। तो गाइस ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना थोड़ी बहुत मेरे को इंडिया के मार्केट जैसे लगते हैं, मतलब कि अपने इंडिया के जो मार्केट्स होते हैं कुछ इसी टाइप के लगते हैं, तो काफी सही है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर ना खड़े हो जाता हूँ क्योंकि अपना जो सेकंड टारगेट है ना वो देखो, अपना सेकंड टारगेट ये रहा अंदर गैस कैफे के, यानी कि ये जो इनकी पार्टी चल रही है ना वो अंदर ही चल रही है, तो अभी हमें ना इस कैफे के अंदर घुसना है। और जो अपना दूसरा टारगेट है वो भी यहीं पर है, मतलब कि शायद से इसने पार्टी में इन्वाइट करा इसे। अभी यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं, ये है कैफे, बहुत ही बड़ा कैफे है, लास्ट टाइम भी हम यहीं पर आए थे। और सामने की तरफ में कोई ना कोई क्ल्यू है तो मैं चल के सुनता हूँ। ये देखो ये अपना टारगेट है, इसको हमें मारना है, इससे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता, यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक है मेरी बैंड बजा देगी। और यहाँ पर ये है सिक्योरिटी गार्ड, ओके। तो ये जो बुड्ढा है ना कुछ बात कर रहा है, इसके हमें बात सुननी पड़ेगी चुपचाप से, एक बार ना सुनकर देखते हैं। ये शायद से बॉडी गार्ड्स को कुछ बता रहा है, तो एक बार ना मैं वो चीज़ सुन लेता हूँ, क्या पता हमें कुछ ना कुछ तगड़ा क्ल्यू मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर हमें फर्स्ट क्ल्यू इनकी बातें सुन के बहुत तगड़ा क्ल्यू मिल गया है, इसके थ्रू हम अंदर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर कोंग नाम का बंदा है, यानी कि वो जो चाइनीज है जो कि अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसने ना इसके अंदर एक प्राइवेट पार्टी होस्ट करी है जिसके अंदर मतलब कि कोई नॉर्मल बंदा जा नहीं सकता। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंबर्स ओनली स्पेशल लगा हुआ है। एक बार मैं जाने की ट्राई करता हूँ, अरे भाई साहब बाहर जा रहा हूँ भाई साहब सीधा मना कर रहा है, गोली निकालने जा रहा था उल्टा। अब यहाँ पर पता सीन क्या है, इसके अंदर वही एंट्री ले सकता है जिसके पास ये शीशा कैफे का साइट, मतलब कि वो पास है। यहाँ पर ये जो कैफे आप देख पा रहे हो ना इसका नाम है शीशा कैफे। अब यहाँ पर ये इनका प्राइवेट एरिया है जहाँ पर वो वीआईपी पार्टी चल रही है, इसके अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मेंबर्स को इनवाइट करा जो कि उसके फ्रेंड वगैरह हैं। तो यहाँ पर ना ये बंदा भी उसका फ्रेंड है और ये बंदा अंदर से बाहर निकला। अब इसके पास कार्ड होगा, ये तभी तो अंदर गया होगा ना, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मार के इससे वो कार्ड लेना है जैसे तैसे कर और उस कार्ड को ले जाना है अंदर की तरफ में। अब लेकिन यार इसको मैं मारूं कैसे वो भी मुझे देखना पड़ेगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर ना रिस्क इसलिए है क्योंकि यार यहाँ पर काफी सारे बंदे हैं तो नॉर्मली से मार नहीं सकता और मेरे पास ना साइलेंटली किल करने के लिए कोई भी तगड़ा वेपन भी नहीं है कि जो मैं फेंक के मार दूं। हाँ यार फाइबर वायर है, लेकिन यार फाइबर वायर के लिए ना बहुत ज्यादा पास जाना पड़ता है और अगर बाय चांस कोई बंदा देख ले तो बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो जाती है। अब यहां पर कुछ है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इसकी दुकान पर कुछ ना कुछ, अरे लो भाई मैं जिस चीज की तलाश, अरे सॉरी मैंने पता उसका ये चुरा लिया जो भी चाकू होता है, और यहां पर उसको शक भी नहीं हुआ। एक आध चाकू ना इनकी दुकान पर और होगा, यहां पर इसके पास तो फिलहाल कोई भी वेपन है नहीं, मतलब कि सही चीज मेरे को मिल गई है। अब यहां पर ये जो चाकू है मैं इसके फेंक के मारूंगा और ये गिरेगा और उसके यहाँ से कार्ड भी गिरी जाएगा और वो कार्ड मेरे को चाहिए जिसके थ्रू मेरी अंदर एंट्री हो जाए। लेकिन यार यहाँ पर ना काफी सारे फौजी घूम रहे हैं तो यार मैं इसे मार तो नहीं सकता। शिट यार क्या यार ये अभी नॉर्मली चले जाएगा, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी फौजी एकदम गलत टाइम पे आए। अब यहाँ पर ये बंदा यहाँ तो आके खड़े हो गए, अरे यार फौजी अभी भी चले जाएगा ना मेरा काम हो जाएगा, लेकिन पीछे भी एक बंदा बैठा है उसको तो मैं खैर देख लूंगा। ये अंदर जा रहा है, मैं भी चलता हूँ अंदर इसके पीछे पीछे, वैसे मेरी अंदर एंट्री तो होगी ना, अंदर जा सकता हूँ क्या, मैं भी इसके साथ ही रहूंगा, देखते अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते। क्या यार भाई समझ ही नहीं आ रहा, मैं अच्छा खासा वहां पर मार देता लेकिन ना वो फौजी गलत टाइम पर अगर खड़ा हो गया शायद से मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यार ये किसी और ही बंदे का घर है। मैं जा सकता हूँ क्या भाई साहब जी, एक बार गेट खोल के चल कर दे,
अरे 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 मना कर रहा है भाई, ये मना कर रहा है क्योंकि अगर इसके ऊपर वो डोट आया तो समझ लो ये सीधा हमें सीधा इन फौजीज को बोल देगा कि भाई ये बंदा गलत है, हमारे घर में घुसने की नाकाम कोशिश कर रहा है और वो हमें मार देगा। और ये कहाँ पर चला गया अंदर भाई, इस तरीके से तो गायब भी हो जाएगा। अरे हटे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे नहीं पता इस बंदे इधर आ बेटा, तेरे से किसने क्यों दिमाग लगा रहा है इतना है भाई, क्यों दिमाग लगा रहा है। अभी फटाफट मेरा पहले नाइफ दे और अपना ये कार्ड दे। तो गाइस अभी मैंने कार्ड जो है पिकअप कर लिया है, अभी फटाफट से ना मेरे को वहाँ पर एंटर होना है और यहाँ से एग्जिट का कोई और रास्ता नहीं है क्या यार, कोई सीढ़ी वीडियो ऊपर जा रही हो, लेकिन नहीं है यार, क्या करूँ। एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले इसकी बॉडी जो है इसके अंदर छुपाता हूँ, इसकी बॉडी डाल दी इसके अंदर, अभी फटाफट ना यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं, बस ये जो बंदा है देखे ना, क्योंकि यार मैंने एकदम चुपचाप अंदर एंटर हुआ। और ये क्या है, यहाँ पर मेरे को एक की भी मिल गई यार, काफ़ी तगड़ी की। अरे एक सेकंड सर, मैं गलती से अंदर आ गया था, मैं वैसे मेरा पैर फिसला था, मैं जा रहा हूँ भाई साहब। तो गाइस अच्छा हो कि यार फौजी लोगों ने ज़्यादा मेरे को कुछ कहा नहीं, बस घर में आके समझा दिया कि आपका घर नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन उनको पता नहीं है असली अंदर हमने कान क्या करा है, जो बंदा वहाँ पर गया था उसको हमने सीधा मार दिया, अगर वो अंदर चले जाते तो गड़बड़ हो जाती। वैसे कोई गड़बड़ नहीं होती क्योंकि उसकी जो बॉडी थी मैंने उस बॉक्स के अंदर डंप कर दी थी, तो वो बहुत तगड़ा सीन कर दिया। अभी यहाँ पर ना बस ये लोग मेरी चेकिंग ना करें, क्योंकि अगर चेकिंग करेंगे तो मेरे को अपने सारे के सारे वेपन ड्रॉप करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं सीधा इनको अपना इन्विटेशन कार्ड शो करता हूँ और अंदर चलता हूँ। तो ये लो भाई, ये है मेरा इन्विटेशन कार्ड, और यहाँ पर भाई साहब देख लो अलग से चेक भी कर रहा पूरा के। ओके तो यहाँ पर अभी अपनी अंदर एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर ना हमें एक और क्लू ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले अपने टारगेट को ढूंढते हैं। ओके तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो यहीं पर बैठा हुआ है, ये देखो भाई साहब कितनी ज्यादा आलीशान तरीके से जी रहा है अपनी जिंदगी। यही है गाइस कोंग टियो क्वांग, पता नहीं अजीब सा नाम है। तो चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पर हमें कैसे मारेंगे इसको। तो गाइस अभी मैं यहीं पर खड़ा था और जो अपना टारगेट है ना वो मेरे एकदम सामने आकर खड़ा हो चुका है, और ये जो आप देख पा रहे हो ना ये इसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। फिलहाल इसके पास ना बॉडीगार्ड तो काफी सारे हैं लेकिन ये हमेशा इसके साथ ही रहता है, और मैं चाहूँ ना तो इसको यूं चुटकियों में एक सेकंड में मार दूं, लेकिन आपको पता है एजेंट 47 का काम है एकदम चुपचाप मारना और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पर ना मैं कुछ तगड़ा करने की सोच रहा हूँ, मेरे को ना सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा, और यहाँ पर ना ये इसके अंदर मैं जा सकता हूँ। वो भाई साहब मुझे लग ही रहा था यहाँ पर अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिस वजह से मैं अंदर को ये लोग नहीं जाने दे रहे। अब यहाँ पर जो अपना टारगेट, ओ भाई भाई अरे सर मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये टारगेट मेरे को घूरता हुआ अंदर चला गया है। अबे अंदर ऐसा है क्या, ये अंदर करने क्या गया, इसका बॉडीगार्ड भी यहीं पर है। अब यहाँ पर एक बार ही मैं बॉडीगार्ड की ड्रेस पहन लूंगा ना तो मैं अंदर जा सकता हूँ और अंदर जाके उसे मार दूंगा। और इस वाले रूम में क्या है, ओके तो ये रूम थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, शायद से ये बंदों को मारने काम आएगा। फिलहाल यहाँ पर तो पार्टी चलिए, सारे लोग अपना खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, मतलब ड्रिंक्स पी रहे हैं, फुल मजे में सारे के सारे, और यहाँ पर इनको पता नहीं है कितना गलत कांड होने वाला है थोड़ी देर में। अब यहाँ पर मेरे को बॉडीगार्ड बनने के लिए ना कुछ तो तगड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे नहीं जा रहा अंदर, मैं भाई रेस्ट रूम में जा रहा हूँ, क्या पागल है भाई। यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई अपना एजेंट 47 कितनी ज़्यादा खुंदक में है। अभी सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए ना थोड़ा सा तगड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर एक सिंक है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर मेन अंदर जो बाथरूम है इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। अभी यहाँ पर मैंने सिंक ऑन कर दिया, अभी कोई ना कोई तो यहाँ पर आएगा ही उसे देखने। और यहाँ पर एक रेंच पड़ा, वो पॉइजन भी मिल गई भाई, अंदर तो काफ़ी सही सही काम की चीज़ें मिल गई है यार। जो बाहर वाली सिंक मैंने ऑन करी थी, मैं सोच रहा था कि कोई बॉडीगार्ड उसे ऑफ करने आएगा और उस बॉडीगार्ड को मैं अंदर खींच के मार दूंगा और उसकी ड्रेस ले लूंगा, लेकिन भाई पानी अंदर धुंध बह रहा है, कोई भी उसे ऑफ करने नहीं आया। और ये यहाँ पर ये क्या है पीप करने के लिए, एक सेकंड चेक करते। ओ गाइस ये कुछ बहुत तगड़ी चीज़ है, यहाँ पर ना एक छोटा सा होल हो रखा है जिस होल से हम उसके रूम का देख सकते हैं जो अपना फर्स्ट टारगेट है मिस्टर कोंग। तो यहाँ पर हम उसका रूम देख सकते हैं, और यहाँ पर ना एक वेटर ने उस पानी का साउंड सुन लिया और शायद से वो वेटर आता ही होगा। अब यहाँ पर ना उस वेटर के आने का वेट करते हैं, मतलब भाई ये क्या बन रहा है वेटर के आने का वेट। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर अंदर एक सिंक हो रहा है, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। इस सिंक को ऑन करने से क्या होगा, जब वो बाहर वाली सिंक ऑफ करेगा उसके बाद वो अंदर वाली सिंक पर आएगा, और वही टाइम है कि हम उसको मार के उसकी ड्रेस ले लेंगे, और जो पॉइजन मिला है वहाँ पर जाके किसी भी चीज में मिला देंगे जो कि वो ड्रिंक वगैरह होगी, और जैसे ही वो बंदा ड्रिंक पिएगा वहीं के वहीं वो बेहोश हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं वो कब तक आता है। भैया वेटर जी अंदर आ जाओ। तो गाइस मेरे को लग रहा है वेटर ने आवाज़ सुन ली, और जो अपना टारगेट है सामने वाले सिंक पर ही आकर खड़ा हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास वेपन के लिए रेंच है और ये वाला चाकू है, इस चाकू को निकाल के रखता हूँ। एक काम करता हूँ ना, फाइबर वायर से मारेंगे इसे, लेकिन एक बारी गेट बंद हो जाने देते हैं। अब इसकी ऐसी की तैसी यहाँ पर, अरे भाई मैंने थोड़ा सा गलत मारा इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके कपड़े लूँगा, फिर इसके मतलब इसका इसकी बॉडी उठाकर इस डब्बे के अंदर फेंकते हैं। जल्दी उठाओ भाई, यहाँ पर इसकी बॉडी मेरे को इसके अंदर फेंकनी है। अब देखते हैं इसके पास से मुझे क्या क्या मिलता है। वैसे ना मैंने उस बंदे को पूरा नहीं मारा यार, मेरे को ना उसे पूरा मार देना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी फटाफट ना यहाँ से बाहर निकलते और भी देख कर आते हैं आगे क्या क्या काम की चीज़ है। तो मेन ये जो शेफ का एरिया है ना वो ये है। अब यहाँ पर एक सिंक है और ये क्या है, काफ़ी सारे कॉइन्स पड़े हैं, कॉइन्स उठा लेते हैं। और यहाँ पर एक की है, तो शायद से ये
पता नहीं यार किस चीज़ की किया, शायद से इस वाली की से वाला डोर खुल सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। आगे चलकर देखते हैं यहाँ पर और भी क्या क्या काम का। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग पूल है, इससे इंक्रीज अच्छा वाटर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना साफ वाफ कर देता हूँ टेबल, ताकि इनको लगे कि हाँ भाई मैं रियलिटी में एक वेटर ही हूँ, मतलब कि इनको लगना चाहिए कि भाई मैं इन्हीं का आदमी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का बंदा समझे। तो भी जितने बंदों को हमारे ऊपर शक हो रहा था वो सारा का सारा शक जो है खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत टेबल वेबल साफ करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने से जो देखो आप पानी है ना ये ऊपर आ गया है, लेकिन इसके ऊपर आने से क्या फ़ायदा है वो चीज़ मेरे को भी समझ नहीं आई। शायद से हम कुछ करंट वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक नाइफ मेरे को मिल गया है, नाइफ तो बहुत ही काम की चीज़ है। एक कॉइन और उठाते हैं। तो यार शेफ़ बनने का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। अब फिलहाल ना यहाँ पर एक ड्रिंक है, इस ड्रिंक के अंदर मैं वो पॉइजन मिलाता हूँ, क्या पता वो बंदा इस ड्रिंक को पिए और उसके अंदर पॉइजन एंटर हो जाए और वो मर जाए। तो गाइस यार देखो वेटर बनके तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिलहाल मैंने ना उसकी ड्रिंक में पॉइजन तो मिला दिया, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि वो बंदा वो ड्रिंक पिएगा या फिर नहीं पिएगा। और यहाँ पर ही शायद से वो ड्रिंक पी रहा है, अगर एक बार ही वो ड्रिंक पी लेगा तो बहुत ही सही हो जाएगा। आगे चलकर देखते क्या सीन है। तो यहाँ पर जो हमने ड्रिंक, अरे यार ये वाली ड्रिंक ये पी गया, शिट यार उसका सिक्योरिटी गार्ड वाली ड्रिंक पी गया भाई, मैंने इसके लिए रखी थी वो ड्रिंक, क्या यार बहुत ही गलत सीन। यहाँ पर उसका पेट खराब हो रहा है, आजा आजा आजा, अब मेरे को यानी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस मिल जाएगी। यहाँ पर देखो मतलब कि ये वाला जो ग्लास है ना इसके अंदर हमने ड्रिंक मिलाई थी उस बंदे के लिए, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने आके ड्रिंक पी ली। भाई सब कितने सस्ते सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ पता ही नहीं चला भाई सब्जी को एक घुट में। अब यहाँ पर अंदर आओ फटाफट से, मुझे पता है ये बाथरूम में आने वाला है। अब जैसे ये बाथरूम में आएगा इसका वहीं पर खेल खत्म करेंगे और इसको मार के इसकी ड्रेस लेंगे। आने दो से अंदर आने दो, बेचारे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ऐसा पेट में चक्कू मारूंगा ना जितना भी चोना होता है। अरे अरे तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। गया भाई साहब, यहाँ पर बहुत ही गलत सीन करा इसके साथ। तो सबसे पहले इसकी मैं ड्रेस लेता हूँ, पर एक काम करते हैं इसकी बॉडी उठा के अंदर फेंकते हैं इस वाले डब्बे में। अब यहाँ पर ना और बॉडी फेंकने की जगह नहीं है, क्योंकि एक बार में एक बॉक्स में दो ही बॉडी आती हैं। अभी फटाफट से मैंने अपना नाइफ भी वापस ले लिया है। अभी यहाँ पर ना इसके अंदर से झांक कर देख लेता हूँ कि अंदर वो बंदा है कि नहीं, मतलब कि जो अपना टारगेट है। तो अभी यहाँ पर अंदर कोई भी नहीं है, फटाफट चलते हैं इसके रूम में और देखते हैं हमें वहाँ से क्या क्ल्यू मिलता है। अभी फिलहाल हम सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं और शायद से अब हम अंदर एंट्री ले सकते हैं। गाइस जो कि मैं चाहता था वही हुआ, अभी हमारी अंदर एंट्री बहुत ही ईजिली हो गई है। और यहाँ पर कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है जिसके थ्रू हम उसे मार सकें। अब यहाँ पर ओ भाई राइट में ये क्या, रिलीज गैस, गैस वेव है, इसको ऑफ ऑन कर देते हैं। तो गाइस अभी मैंने ना रेंच के थ्रू इस गैस वेव को ऑन कर दिया। ओ भाई ये क्या हो गया, यहाँ से गाइस गैस लीक होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर अगर हम फायर करेंगे तो शायद से आँख पकड़ लेगी, लेकिन ये क्या पड़ हुआ है यहाँ पर एक ओ गाइस ऑयल लैंप है भाई, बहुत सही सीन, अब मैं समझ गया क्या सीन है। तो गाइस अभी यहाँ पर ना बहुत तगड़ा सीन हो गया, क्योंकि ऑयल लैंप को मैंने ऑफ कर दिया है। अब जो अपना मेन टारगेट है, अब जैसे ही वो इस रूम में आएगा देखेगा कि यहाँ पे अंधेरा हो रखा है, इधर तो लाइट जलानी पड़ेगी। और लाइट जलाने के लिए वो इस लैंप को ऑन करेगा, और जैसे ही वो इस लैंप को ऑन करेगा तो वो जो फ्लेम है जब वो जलेगी ना तो जो पूरे के पूरे रूम में गैस रिलीज हो रखी है भाई उससे आग पकड़ लेगी। और जो अपना टारगेट है शायद अंदर चला गया क्या, नहीं अभी अपना टारगेट जो है कहीं बाहर घूम रहा है, वो देखो वो खड़ा हुआ अपना टारगेट। और इस टारगेट के बॉडी इस टाइम पर मैं बन चुका हूं, तो भी इसके ना थोड़ी देर पीछे पीछे रहता हूं, बस ना ये मेरे पे शक न करे, क्योंकि अगर ये मेरे पे शक करेगा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि यार बहुत ही तगड़ा सीन कर दिया इसके सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए। तो गाइस अभी पता नहीं यार यहाँ पर ना ये इस वेटर को काफ़ी ज़्यादा डांट के गया, पता नहीं किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात होगी। अभी फिलहाल मेरा इसमें कोई काम नहीं, और ये ना अपने रूम में जा चुका है, तो यानी कि जो हमने सेटअप करा था वो शायद से वर्क कर जाए। अभी यहाँ से ना एक बारी झांक कर देखते हैं क्या सीन है। ओके तो जैसा कि मैंने कहा था सेम टू सेम वैसा हुआ है, और ये ना यहाँ पर आ चुका है, शायद से इसी चीज़ को ऑन करने जा रहा है। और ये जैसे लैंप को ऑन करेगा मुझे देखना क्या, ओ भाई साहब जैसा कि मैंने कहा था, मुझे लग रहा था ना थोड़ी बहुत आग वाग लग जाएगी, लेकिन यार यहाँ पर ना गैस जो है काफ़ी निकल गई थी, तो काफी बड़ा ब्लास्ट सा हो गया है। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे एकदम चुपचाप से बैठ चुके हैं, और मुझे भी यार यहाँ से ना निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड है जो कि ना मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। भाई मेरे ऊपर किस बात का शक कर रहे हो भाई, पिट के जाओगे दोनों, हाँ नहीं तो भाई बेमतलब मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। अभी फटाफट ना यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने ना उसको इस हिसाब से मारा है कि भाई किसी बंदे को ना पता तक नहीं चला कि हाँ भाई मेरा भी इसमें कोई हाथ होगा, लेकिन जो बॉडी गार्ड थे वो मेरे को देख के थोड़ा शक कर रहे थे कि मैं भागते हुए क्यों जा रहा हूँ ये सीन होने के बाद। तो गाइस अभी मैंने अपने फर्स्ट टारगेट को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अभी अपना सेकंड टारगेट बचा है मेंडोला जी। अब यहाँ पर हमें इसको भी मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ना आर्किटेक्चर के डॉक्यूमेंट्स लीक करने आया है, तो इसको मारना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि भाई साहब जी मिलियन डॉलर्स की डील करोगे तो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। लेकिन जो अपना सेकंड टारगेट है, ओके सामने की तरफ में ही है, तो यानी जो अपना सेकंड टारगेट है ओपनली बाहर की तरफ में घूम रहा है, तो इसको भी मेरे को मारना पड़ेगा। लेकिन ना मैं ऐसे एकदम डायरेक्टली ओपन में जाकर उसे मार नहीं सकता, इतनी सारी पब्लिक है, किसी ने भी देख लिया बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको मारने के लिए ना मुझे कोई तगड़ा क्ल्यू ढूंढना पड़ेगा, जिस क्ल्यू के थ्रू ये किसी ऐसी जगह पर जाए जहां पर ये ना बिल्कुल अकेला हो।
तो गाइस अभी ना एक रास्ता यहाँ पर राइट को जा रहा है, एक रास्ता लेफ्ट को जा रहा है। तो यहाँ पर ना पहले लेफ्ट वाले में जाकर देखते हैं, यहाँ पर शायद से हमें कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाए। और यहाँ पर ना आप एक चीज देख पा रहे हो कि एक मशीन है जिसमें मतलब सोडा कैन वाली मशीन है, लेकिन जिस चीज से ये चल रही है भाई उस चीज का जो बोर्ड है नीचे पानी में एकदम पूरा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हम इसका एक बारी सॉकेट खराब कर दें तो भाई ये तो पूरे में करंट फैल जाएगा और कोई भी अंदर इसके ऊपर से चलकर जाएगा तो बहुत सीन हो जाएगा। और आगे हमें क्ल्यू मिल गया। ओके अभी चुपचाप ना चलकर देखते हैं कौन बंदा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखो ना किसी से फोन पे बात कर रहा है, अगर हम इसकी बातें सुनेंगे तो काफी तगड़ा क्ल्यू मिल सकता है हमें। तो गाइस अभी ना चुपचाप से इसकी फोन पे बातें सुनने के बाद हमें एक और बहुत तगड़ा क्ल्यू मिल गया है। तो जो अपना सेकंड टारगेट है ना मेंडोला, वो शहर का नहीं है, मतलब कि ना यहाँ पर जिससे वो डील करने आया है उसको उस जगह के बारे में नहीं पता कि भाई कहाँ पर मिलना है, कहाँ पर जाकर डील करनी है। तो मेन उनका सीन क्या था कि इन्होंने बोला था कि हम आपके लिए ना एक बॉडी गार्ड भेज देंगे, वो आपको लेकर आ जाएगा जहाँ पर डील करनी है। और आपको पता हो कि लास्ट टाइम हमने सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्रेस थी, बॉडी गार्ड की जो ड्रेस थी हमने चुरा ली थी, इसलिए ना अभी हमें किसी भी बॉडी गार्ड को मारना नहीं पड़ेगा ड्रेस के लिए। और यहाँ पर ये बंदा अंदर तो घूम रहा है, अंदर ढूंढने गया होगा शायद से। नहीं 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 नहीं, ये पीछे वाली गली में घूम रहा है शायद से। हाँ ये अंदर नहीं है, ये पीछे वाली गली में है। तो फटाफट ना एक बारी पीछे वाली गली में चलता हूँ। तो सबसे पहले ना मेरे को उसको बात करनी है, इससे उसको लेकर चलना है उस एरिया में जहाँ पर इनकी मेन मीटिंग प्लेस है। और वहाँ पर चलकर कोई भी सुनसान एरिया मिलेगा तो उसको मार देंगे, बहुत ही तगड़ा सीन हो सकता है। अभी यहाँ पर ये बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे शहर में ही घूमता रहेगा, ऐसे तो मतलब मैं नहीं आऊँगा। तो पीछे देखो सर। चलो गाइस अभी मैंने मिस्टर मेंडोला को बोल दिया कि आप मेरे साथ चल सकते हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, चाहूँ तो मैं इसको यहीं पर मार दूँ, मतलब कि आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो इसे करंट लग जाएगा नीचे। लेकिन अभी ना हमें एकदम सही तरीके से खेलना है, कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि ना ये रिस्क वाला काम है, कंफर्म नहीं है कि मरे या फिर ना मरे, क्या पता साइड से निकल जाए तो भाई जिंदा बच जाएगा। तो गाइस ये मेरे को चिल्ला के बोल रहा है कि यार मुझे सिटी के बारे में नहीं पता, तो मेरे एकदम साथ साथ चलो, इतनी तेज मत भागो। तो भाई तू भी भाग लेना यार, इतना बड़ा आदमी थोड़ी हो रहा है। लेकिन यार हाँ यार, बिलियन डॉलर की डील करने आया तो हो सकता है बड़ा आदमी, लेकिन आज इसकी मैं बिलियन डॉलर की डील बाहर करूंगा। फर्जी काम करते हो ना बेटा, अभी बताता हूँ तुम्हें। अब बस ना इसे अंदर लेकर चलना, पता नहीं कहाँ पर डीलिंग एरिया जहाँ पर इन्होंने मीटअप प्लेस रखी थी कि हाँ भाई यहाँ पर मिल गया, हमें बात करनी है। काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके ऊपर जाना है क्या हमें फिलहाल? नहीं नहीं, नीचे ही जाना है। अभी अंदर चलते हैं। तो ये आ जाओ सर, अंदर आ जाओ, यहीं पर आपकी डील करवानी है। कुछ कारपेट एरिया मतलब कि इन्होंने कारपेट का कुछ बना रखा है। ओके तो हमें आगे जाना है, यहाँ पर काफ़ी सारे बॉडी गार्ड इन्होंने यहाँ पर भी खड़े कर रखे हैं, शायद ऊपर कुछ तगड़ा ही होगा। अब यहाँ पर नहीं, पीछे पीछे आ रहा है। एक बार इन्हें मैं ऊपर का एरिया चेक कर लेता हूँ कि हम इसको मार कहाँ पर सकते हैं। यहाँ पर एक सुनसान सीढ़ी आता है, चाहूँ तो मैं इसको यहीं पर मार दूँ। और आगे की तरफ में ओ भाई, आगे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। राइट में चल कर देखते हैं, राइट में भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। गाइस यहाँ पर तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसके आने से पहले ही मैं इसे सीढ़ियों पर मार दूंगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक काम करता हूँ ना, इसके आने से पहले ही मार दूंगा, जैसे वो सीढ़ियों पर आएगा वैसे इसका खेल खत्म। अब यहाँ पर बस ना किसी ने देखा ना हो भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरे को तो नहीं लगता किसी ने देखा होगा। और यहाँ पर इसने इसकी बॉडी देख लिया, इसकी बॉडी इसने देख ली। अरे शिट यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा? क्या यार मैं क्या करना चाह, अरे निकल यहाँ से तेरी ऐसी तैसी। फटाफट से ना पहले मैं अपना नाइफ उठाता हूँ और यहाँ पर ना इसकी बॉडी मैं काम करता हूँ ना, नीचे फेंक देता हूँ यहाँ से। यार कहाँ छुपाऊंगा मैं इसकी बॉडी यार, मुझे ना भागना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता यार। अभी यहाँ पर इन दोनों की बॉडी मेरे को छुपानी पड़ेगी। नीचे एक बॉक्स तो है, उसके अंदर मैं बॉडीज छुपा सकता हूँ। और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सिंपल है यार, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ भाई? डरने वाली कोई बात ही नहीं है, दोनों की बॉडी अंदर छुपाओ, निकलो यहाँ से, क्योंकि ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको पता चला नहीं है और जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड थे वो यहाँ से जा चुके हैं। तो पहले बंदे की बॉडी मैंने अंदर डाली, दूसरे वाले की भी डालने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साइड कर दे दिया भाई। अरे 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 सर सर सर, मैंने कुछ नहीं करा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसको शक क्यों हो रहा है मेरे पे? अरे अरे अरे, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा है। अभी ना यार यहाँ पर ना एक मस्त चीज़ है, इसको गाने वाने प्ले करते हैं फुल, एकदम मजे आ गए भाई। काफ़ी आराम से इस बार एजेंट 47 ने ये वाला मिशन कर दिया है, तो यार बहुत ही तगड़ा सीन हुआ। और यहाँ पर ये एक और नीचे का रास्ता है, और ये जो घर है ना, मुझे ये वाला घर भी याद आ गया। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमने मिशन करा था ना, उसमें भी इस घर से रिलेटेड कोई ना कोई काम था। मतलब कि यार मार्केश में काफ़ी सारे उल्टे सीधे लोग हमें दिख रहे हैं, क्या पता यहाँ पर हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो भाई फिलहाल ये वाला मिशन तो यार बहुत ज़्यादा तगड़ा था, एजेंट 47 ने काफ़ी खतरनाक तरीके से करा, मतलब कि यार सामने वालों को भनक तक नहीं होने दी। तो चलो गाइस अभी फटाफट यहाँ से चलते हैं। तो चलो गाइस इसी के साथ यहाँ पर एजेंट 47 ने एक और बार इतना तगड़े तरीके से फ्रॉड बंदों को मारा और किसी को पता तक नहीं चला, और एकदम काम भी बिल्कुल डन हो गया। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो जाकर लाइक कर देना, चैनल भी न्यू तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ यार, इस वीडियो पर थोड़ा सा बड़ा लाइक एम रखने वाले हैं, इस वीडियो पर एम करते हैं 250,000 लाइक के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो सभी लोग जाओ लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, 100K फॉलोवर होने वाले, जल्दी आओ फॉलो कर लो। और जिसको मेरे से बात करनी है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।